नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम में। और हम डिस्कस करने जा रहे हैं टैबलू के ऊपर। जी हाँ, इससे पहले मैंने टैबलू की कुछ और रिकॉर्डिंग्स को अपलोड किया था। आज हम टैबलू पे आगे बढ़ रहे हैं और टैबलू पे हम आपको आज लाइव एंड स्टैक दो डेटाबेसिस के बारे में बताएंगे। जैसे कि हमने बताया था कि हम टैबलू फाइल में किसी भी डेटाबेस, जैसे कि मैंने एक्सेल एक्सेल डेटा फाइल को कनेक्ट कर रहा हूं। और अपने मैं डेटा शीट पे आ गया, ए शीट वन। अब यहां पे देखिए कनेक्शन लाइव एंड स्ट्रैक है। अब लाइव एंड स्ट्रैक दो चीजों के बारे में पहले एक बार समझ लीजिए। लाइव मतलब कि आपके डेटाबेस से लाइव कनेक्टेड होता है। डेटाबेस में कुछ भी चेंजिंग होंगे तो यहां भी चेंजिंग अपडेट हो जाएंगे। और दूसरी तरह से आप स्ट्रैक की बात करें तो स्ट्रैक जस्ट कॉपी एंड पेस्ट होता है, मतलब कि आपका डेटाबेस को कॉपी करके रख लेगा और डेटाबेस में कुछ चेंज होगा तो यहाँ अपडेट नहीं करेगा। तो इन दोनों का यूज हम कब करते हैं? देखिए जनरली हम लाइव का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि डेटाबेस के साथ हम लाइव कनेक्ट करते हैं और रिपोर्ट को लाइव हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी कभी समटाइम क्या होता है कि हम ट्रेवल में होते हैं, फ्लाइट में होते हैं, आउट ऑफ ऑफिस में होते हैं, और या फिर ऑफिस के साथ कनेक्ट करने के लिए हमारे पास वो एक एक बहुत सारे कंपनी जो है डेटाबेस कनेक्टर के कनेक्टिंग एक सिक्योर कनेक्शन के लिए का इस्तेमाल करती, वो नहीं होता है। मतलब किसी भी तरह से मैं अपने डेटाबेस के पास नहीं पहुंच सकता हूँ, उस समय मैं स्ट्रैक कर लेता हूँ, क्योंकि डेटाबेस में निकाल लेता हूँ फिर उस पर अपनी रिपोर्टें और अपनी एनालिसिस को करता हूँ। लेकिन जैसे मैं डेटाबेस से कनेक्ट होता हूं, वापस मैं लाइव पे क्लिक कर देता हूं, तो जो भी नई अपडेट होती है वो उसको ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता है। लाइव और स्टैक का यही डिफिनेशन है। चलिए आपके आपको हम एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं। ये तो बहुत बड़ा डेटा है, मैं आपको एक छोटे डेटा पे मैं एक छोटा डेटा बनाता हूँ, वो छोटे डेटा पे आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने नेम, सिटी और अमाउंट, एक छोटा डेटा बनाता हूं। और हम इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ। सैंपल डेटा मतलब कि, और यहाँ पे वर्क हो एंड सेव। अब मैं इसको लोड करता हूँ। कनेक्शन एड हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और डेस्कटॉप पे हमारा जो एसएम नाम का फाइल था उसको सिलेक्ट किया एंड ओपन किया। ये जो हमारा डेटाबेस है इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूँ। ये हमारा डेटा है। अब इस पे मैं शीट वन पे क्लिक करूंगा अपने रिपोर्ट्स वगैरह बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए सिटी नेम एंड मेजर नेम आपके पास यहाँ पे आ जाता है, अमाउंट यहाँ पे। तो मैंने सिटी को रखा रो में और नेम को रखा मैंने कॉलन में, और अमाउंट को मैंने यहाँ पर रखा ताकि उसका टोटल समय दिख जाए। ये हो गया। अब जैसे कि अब बात करते हैं यहाँ पे
कनेक्शंस पे आते, यहाँ कनेक्शन डेटा सोर्स पे आते हैं, ये मेरा लाइव है। अब मैं अपना वो जो फाइल है एसएम वाली, उस फाइल को अगर मैं ओपन करता हूँ और यहाँ नया नाम, जैसे कि मैं दिव्या और 74.5 कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ, उसके बाद आप यहाँ पे यहाँ टैबलो पे आए और मैं इस पे जाता हूँ। इसमें देखिए अभी फिलहाल दिव्या तो नहीं है, ओके। अब ऐसे में राइट क्लिक करके रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे एक दिव्या नाम ऐड हो गया और एक देखिए सिटी एनयूजेड ऐड हो गया, क्योंकि लाइव डेटा था इसलिए। अब मैं अपने डेटा सोर्स में जाता हूँ, लाइव के जगह पे इस ट्रैक लिख देता हूँ, हैशटैग लिख दिया। अब क्या हुआ कि अब मैं डेटाबेस में कोई चेंज करता हूं डेटाबेस में अगर मैं कोई चेंज करता हूं यहां पे, जैसे मैं नाम, नया नाम जैसे मान लीजिए स्मृति और हमने सी डाल दिया और इसको मैं सेव करता हूं। अब यहां पे, यहाँ पे डेटा अगर मैं इसको अब देखिए इस पे रिफ्रेश करने, यहाँ राइट क्लिक करके रिफ्रेश किया तो स्मृति आ गई, क्योंकि ये डेटाबेस कनेक्टेड है इसलिए आ गया। अगर कनेक्शन टूट जाएगा फिर भी ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हमारा जो टिक, इस पे देखिए इस पे जो टिक का निशान लगा हुआ है एरो की का, इसका मतलब है कि हमारा जो डेटा सोर्स, सॉरी माफ कीजिएगा, लाइव पे कनेक्टेड था इसलिए। अब यहाँ पे देखिए जैसे रिपोर्ट पे आप जाते हैं तो रिपोर्ट पे जाने के बाद, अच्छा मैं सेव करना पड़ेगा आपको क्योंकि जब इस ट्रैक पे क्लिक करेंगे तो फिर लोकेशन चाहिए ना आपको। हाँ, इसमें अगर डबल सिलेंडर लगा हुआ है इट मीन्स क्या है कि डबल सिलेंडर लगा हुआ इट मीन्स आपका डेटा जो है वो लाइव नहीं है, ये आपका डेटा स्टैक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि नया यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कपूर, मैं यहाँ पे एस एम ए एस टी कर देता हूँ, डाल देता हूँ और सेव कर देता हूँ। अब देखिए अब यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके अगर मैं यहाँ राइट क्लिक करके रिफ्रेश करता हूँ, कोई चेंजिंग नहीं है, अभी कोई चेंजिंग नहीं हुआ। उससे पहले चेंजिंग इसलिए हो गया था क्योंकि मैंने उस डेटा सोर्स को सेव नहीं किया, तो मैं गलती से स्कैप प्रेस हो गया था। तो जब जैसे आप इस ट्रैक पे क्लिक करेंगे आपको डेटा, इस डेटाबेस को सेव करने का लोकेशन मांगेगा, वहां पे डेटा आपका सेव होगा और आपका डेटा सेव होने के बाद आपका वर्क करेगा। लेकिन जैसे मैं इसको लाइव पे क्लिक कर देता हूं, लाइव पे क्लिक करने के बाद अब मैं यहां पे नया नाम कपूर ऐड हो गया और देखिए आ गया। तो जैसे ही मैं लाइव पे क्लिक करूंगा वापस मेरा डेटा जो है वो सही हो जाएगा, पूरा डेटा डाउनलोड हो जाएगा। तो लाइव एनएस ट्रैक बताने का पर्पस ये था, ये आपका, आप अगर डेटाबेस से कलेक्टेड नहीं, क्योंकि एक्सेल टू एक्सेल सही है लेकिन एक्सेल टू अनदर डेटाबेस जैसे कि सैप, सैस, सीक्वल, ओरेकल, ऐसे डेटाबेस होते हैं। मान लीजिए आप एसक्यूएल सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पास क्लाइंट सर्वर है, तो आप तो चलो ठीक है ऑफिस में रहेंगे तो एसक्यूएल से कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि एसक्यूएल आपका लैन पे है। अगर आपका एसक्यूएल वैन पे नहीं हुआ तो फिर आप उसको बाहर कहीं से एक्सेस नहीं कर सकते, उस समय आप डेटा को स्टैक मोड में रख लें ताकि डेटा आपके सिस्टम में सेव हो जाए, और फिर जैसे आप एसक्यूएल से कनेक्ट हो उसको लाइव मोड में रख दें ताकि आपका डेटा जो आपके सर्वर से दूर रहने के टाइम में जो अपडेटेड हुआ उसको वापस उसको अपडेट कर दें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए। और हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती है टैबलू, एडवांस एक्सेल और एक्सेस, डैशबोर्ड, इन सबों के ऊपर। तो अगर आप चाहते हैं हमारे साथ लाइव क्लासेस लेना तो
आप हमारे साथ लाइव क्लासेस ले सकते हैं। लाइव क्लासेस लेने के लिए आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं और पहले एक दो क्लास एज ए डेमो ज्वाइन करके देखें। अगर आपको डेमो अच्छा लगा तो फिर हम बाकी आगे बाकी चीजों पे डिस्कस कर लेंगे। तो iptindia.com पे जाएं और डेमो क्लास का फॉर्म भरें। अगर डेमो क्लास भरने में कोई दिक्कत होती है तो आप जो है अपना ईमेल आईडी मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दें। और चाहो तो हमारी एडवांस एक्सेल की नई डीवीडी आई है, उसको भी आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। हमारी नई डीवीडी लॉन्च हुई है 2016-19 पे, आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत हो मुझे कॉल कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस, हैव अ नाइस डे।